दोस्तों, सब्सक्राइब करें WTW बुटीक और बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल WTW बुटीक। आज मैं बताऊंगी आपको ये इस तरह की 3/4 कुर्ती बनाना। इसकी आज अब मैं आपको मार्किंग करके कटिंग बताऊंगी। और ये कुर्ती आप लहंगे के साथ पहन सकते हो, स्कर्ट के साथ भी पहन सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम 3/4 कुर्ती की कटिंग करना। तो ये मैंने कपड़ा लिया इसके लिए। तो अगर आप बिना लाइनिंग के ऐसी कुर्ती बनाना चाहते हैं तो आपको 1 मीटर कपड़ा चाहिएगा, और अगर अस्तर के साथ बनाना चाहते हो तो अस्तर का अलग से 1 मीटर लगेगा। और ये जो मैंने कपड़ा लिया है, ये जो राजपूती ड्रेसेस आती है उनके जोड़ का कपड़ा ही है, तो ये 2 मीटर है। तो इससे हम इसका ही लाइनिंग इसमें यूज़ करेंगे। तो इस तरह ये कुर्ती हमारे पास रेडी है। तो इसका हम नाप ले रहे हैं। ये देखिए, जितना नाप आता है तो इसका डबल होता है। जैसे 16 है तो 32 इसका चेस्ट साइज़ है, और लेंथ इसकी है 22 इंच। तो इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे लेंथ में, और चेस्ट की साइज़ जो भी आपकी आती है उसका 1/4 लेके आप उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर ले, और नहीं तो इसमें जो भी चेस्ट की साइज़ है उसमें 8 इंच प्लस करके उसका 1/4 भाग ले ले। इस तरह से आपको साइज़ लेना है। तो ये देखिए, कुर्ती का कपड़ा मैंने इस तरह से डबल, इसको पूरा खोल के डबल बिछा रखा है। ये देखिए, पूरा इसको खोलना है, और पहले इस कपड़े को एक समान करना है हमें। कहीं से ऊपर नीचे हो तो इसको कटिंग करके एक्स्ट्रा कपड़े को अलग कर लेना है। और अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पास में दिए गए बेल आइकन के बटन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो इस तरह कपड़े को एक बराबर हमने कर लिया है। इसके बाद हमें कपड़े को जिस तरह हम नॉर्मल कुर्ती कटिंग करते हैं उस तरह डबल फोल्ड करना है, जिससे वो बराबर 4 भाग हो जाएंगे कपड़े के। और इसमें मैं 8 फोल्ड कर रही हूँ, जिससे कि 2 कुर्ती साथ में कटेगी, लाइनिंग भी इसका साथ में ही कटिंग हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको 8 करके फोल्ड करा है। इसके बाद हमें चेस्ट साइज़ का नाप लेना है। तो जैसे 32 है तो 32 का होगा 8 पे, और इसके अलावा 2 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन के लिए। तो ये हमारी साइज़ में कपड़ा बराबर बैठ रहा है। इसके बाद इसमें लंबाई लेंगे हम 22 इंच पे, और इसके अलावा 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो इतना कपड़ा हमें चाहिएगा। तो इस तरह आप कपड़ा ले सकते हो। अब इसमें हम गले का मार्क कर रहे हैं 2.5 इंच पे, और शोल्डर ले रही हूँ मैं 3 इंच पे, क्योंकि इसके जो कंधे हमें छोटे ही रखने हैं। और इसके आर्म होल की गोलाई दे रही हूँ मैं 6 इंच पे। और इसके बाद चेस्ट साइज, अब इसके आर्म होल की गोलाई देंगे हम 1.5 इंच पे, इस तरह से। अब जो चेस्ट की साइज है उसकी सीध में हम नीचे की तरफ से 5 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स कुर्ती की जो चाक होती है वो बनेगी, इसलिए हम 5 इंच पे पॉइंट लगाएंगे। और वापस चेस्ट की जो साइज़ है वो हमने वहाँ पे हमने पॉइंट लगाया है। दोनों पॉइंट को मिला के 1 पॉइंट मिलेगा हमारे पास। अब जो भी कपड़ा हमारा बचता है बीच में, उसको इस तरह से नाप के उसके मिडिल भाग में 1 पॉइंट लगाना है, इस तरह से। अब यहाँ से हम कमर की गोलाई देंगे, तो हमें 1 इंच यहाँ से कम करना है, जिससे कमर की गोलाई और फिटिंग अच्छी होती है। इसके बाद हम इस तरह से गोलाई में इसको मार्क कर लेंगे। जिस तरह हम सलवार की कुर्ती बनाते हैं फ्रेंड्स, सेम उसी तरह से हमें मार्किंग करना है। ओनली इसमें डिफरेंस इतना रहता है कि वो कुर्ती की साइज़ ज़्यादा लंबी होती है और इसकी छोटी होती है। ये आप लहंगे स्कर्ट के साथ पहन सकते हो, बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता तो आप हमें इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। WTW के नाम से हमारा वहाँ पे ID बना हुआ है, वहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं।
ये देखिए जिस तरह से हमने मार्किंग किया है उसी तरह से हमें इसको कट करना है। तो ये कुर्ती की कटिंग है जो हमारी हो गई है। ये देखिए अब इसको हम खोल लेंगे और जो इसके भाग हैं इनको अलग अलग करेंगे। तो एक हमारा फ्रंट भाग बन जाएगा और एक बैक भाग बन जाएगा। ये मैं डबल ले रही हूँ बिकॉज इसमें लाइनिंग साथ में, इसलिए। इस तरह से हमने बैक और फ्रंट दोनों भाग अलग अलग कर लिए हैं। अब इसका हम नेक कटिंग करेंगे। तो ये देखिए 7 इंच पे मैंने एक पॉइंट लगाया है और वापस इस पर 2.5 इंच पे इस तरह से पॉइंट लगा के एक बॉक्स बना लेंगे। अगर आपको चौकोर नेक बनाना है तो आप जिस तरह हम बॉक्स बना रहे हैं उसी तरह काटना है, और राउंड चाहिए तो 1/2 इंच की गोलाई देके आप इसको कट कर ले, इसलिए इससे एकदम अच्छे से गोलाई वाला शेप बनेगा। तो इस तरह फ्रंट वाला भाग है जो कटिंग हो गया है। अब इसकी जो आम सोल की गोलाई है उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा गोलाई देंगे, इससे आगे की तरफ रिंकल्स नहीं आते हैं। अगर कुर्ती हो, ब्लाउज़ हो या आप कुछ भी सिल रहे हो तो जो इसका फ्रंट भाग होता है आम सोल की गोलाई का उसमें आप इस तरह कटिंग ज़रूर दें, इससे आपकी ब्लाउज़ हो या कुर्ती हो उसमें रिंकल्स नहीं आएंगे और बहुत अच्छी फिटिंग होगी। और इसका जो बैक पार्ट है अब हम उसकी गले की कटिंग कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको सेम इसी तरह से 2.5 इंच लेना है ऊपर की तरफ से, और जितनी आपको लंबाई इसकी रखनी है नेक की उतनी आप ले सकते हो, 9 इंच तक ले लो या आपको जितना चाहिए। मैं यहाँ पे 9 इंच ले रही हूँ। और सेम इसी तरह से यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया है ये इस तरह से। और अब इसमें अगर आप सिंपल गोल रखना चाहते हो तो 1/2 इंच की गोलाई दे के इस तरह मार्क कर ले, और अगर इसमें आपको थोड़ा डीप देना है तो इस तरह से हल्का सा एक्स्ट्रा शेप देके इसको, एक्स्ट्रा गोलाई देके इसको कटिंग कर ले, तो इससे गोलाई अच्छी बन जाएगी बैक साइड के भाग में और गला डीप हो जाएगा। तो इस तरह ये देखिए फ्रेंड्स फ्रंट और बैक दोनों भाग हमारे रेडी हो गए। अब हम इसकी आम सोल की गोलाई का नाप लेके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। आप या तो इस तरह से आम सोल की गोलाई में इंच टेप को घुमा के देख सकते हैं, नहीं तो इस तरह से तिरछा देख के आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो हमारे पास 9 इंच आता है तो कपड़े को हम डबल करके 9 रखेंगे। तो ये देखिए हमारा कपड़ा बचा हुआ है और ये यहाँ से बंद हिस्सा है इसका, और बंद हिस्से की तरफ से हम खुले हिस्से की तरफ 9 इंच लेंगे। तो इस तरह कपड़ा बराबर करके स्लीव्स में भी सेम उसी तरह से कट करना है जिस तरह से हमने कुर्ती में करा है लाइनिंग समेत, इसलिए मैंने जैसे कपड़ा समटा हुआ था वैसे वैसे इसको लिया है। और हमें इसकी 3 इंच की स्लीव रखनी है तो मैं यहाँ पे 5 इंच ले रही हूँ इस तरह से, और इसकी चौड़ाई जो है वो 9 इंच पे रखूँगी मैं, जो आम सोल की गोलाई ली थी उसके नाप से इस तरह से। तो इसको भी हमें एक बॉक्स बना लेना है। अगर आपको ज़्यादा बड़े कपड़े में कन्फ्यूज़न होता है कटिंग में तो आप इस तरह बॉक्स बना के कपड़े को अलग कर ले कट करके, फिर उसके बाद मार्किंग करें। अब हम खुले हिस्से की तरफ से 2.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं, और जहाँ से 2.5 इंच है वहाँ से 1.5 इंच की तरफ एक और पॉइंट करके सीधी लाइन कर रहे हैं, और इसके बाद में हम एक तिरछी लाइन खींचेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम इंच टेप को बराबर आधा करके 1/2 इंच ऊपर की तरफ गोलाई देंगे। आप ये गोलाई फ्री हैंड से भी दे सकते हैं, नहीं तो इस तरह से आप मार्क करके भी दे सकते हैं। तो इस तरह गोलाई करके आप इसको कटिंग कर लें। ये देखिए स्लीव की जो गोलाई की कटिंग है वो हो गई है। इसके बाद नीचे की तरफ से जहाँ पे अपने हाथ की मोरी आती है वहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे और इसको तिरछा करके इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो गई है।
अब इसमें मिडल में हम इसके आगे वाले भाग की कटिंग करनी है, तो इसको हम एक स्लीव का एक भाग लेके मैं इसको वापस समझा रही हूँ। तो ये देखिए, इसको मिडल में एक पॉइंट लगाएंगे कुछ इस तरह से, ताकि हमें पता रहेगा कि दोनों साइड सेम है और ये इसका मिडल भाग है। और एक तरफ से हमें इसको एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, जो भाग स्लीव्स में आगे की तरफ आता है उसमें हम एक इंच की एक्स्ट्रा गोलाई देंगे, और जहाँ पे डेढ़ इंच का पॉइंट था वहाँ से लेके इसको गोलाई देना है इस तरह से। और अब इस पॉइंट को हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह आप स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें फ़र्क देखिए, ये आगे वाला भाग है और ये पीछे वाला भाग है, तो ये स्लीव्स में फ़र्क रहता है। आगे वाले भाग में कटिंग करने से ब्लाउज़ या कुर्ती में रिंकल्स नहीं आते, यही बात है, इसलिए हम आगे वाले भाग में एक्स्ट्रा गोलाई देते हैं। तो इस तरह से आपको ये कटिंग कर लेना है स्लीव्स का, और जो भी एक्स्ट्रा भाग है इसको कट करना है। तो ये इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट है और कुर्ती की बैक और फ्रंट भाग की कटिंग भी कंप्लीट है। इस तरह आप भी घर पे आसानी से 3/4 कुर्ती बना सकते हैं। और इसकी सिलाई का वीडियो मैं नेक्स्ट डालूँगी फ्रेंड्स, तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख ले, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे दूँगी, तो उस पर जाके भी आप इसको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।